Praise the Lord, good morning. आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। धर्मी जन के बारे में अगला शब्द लिखा गया है, वो लेबनान की देवदार की समान बढ़ते रहेंगे। लेबनान की देवदार की समान बढ़ते रहेंगे। देवदार सीडार ट्री 38 meters तक लंबा होता है, लेकिन लेबनान की देवदार सबसे ऊंचा हाइट में जाता है, सबसे मजबूत होता है। अगर आप नो सर्च करेंगे तो लेबनान में ही सीडार ट्री सबसे ज्यादा होता है, सबसे मजबूत, सबसे ऊंचाई में होता है। यहूदियों के लिए ये ट्री बहुत खास है। हर नया साल बनाने के लिए ये देवदार की लकड़ी को जलाकर वो मनाते हैं। ये इस ट्री को प्रोटेक्शन का प्रॉस्पेरिटी का एक सिंपल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। खजूर की ट्री को वो ट्री ऑफ लाइफ बोलता है, जीवन की वृक्ष के समान वो बोलता है। और सीडा ट्री के बारे में भी इस प्रकार विश्वास है, सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन प्रॉस्पेरिटी, ऐसे वो विश्वास करते हैं। उससे बढ़कर सीडा ट्री लंबे समय तक रहता है, बहुत ऊंचाई में जाता है, बहुत मजबूत रहता है। आंधी तूफान इसको तोड़ नहीं सकता है। इसका लकड़ी बहुत मजबूत है और बहुत कॉस्टली है और बहुत मशहूर है पूरे दुनिया में। सीडा ट्री देवदार बहुत फेमस, बहुत बहुत महंगा वाला लकड़ी है, बहुत मजबूत भी है। तो धर्मी जन के बारे में बाइबल कहते हैं वो लेबनान की देवदार के समान है। लेबनान की देवदार सबसे खास है। तो हमारे बारे में प्रभु की वचन ऐसे कहता है, हम ऐसे फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ते जाएंगे, लेबनान के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। तो मसीह जिंदगी धर्मी लोगों के बारे में बाइबल कहते हैं आप बढ़ते जाएंगे, मजबूती के साथ बढ़ते जाएंगे। आपको कोई तोड़ नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, बाकी सारे पेड़ों से भी ऊपर ऊंचाई में बढ़ते जाएंगे। मसीह की जिंदगी बढ़ोतरी का जिंदगी, मजबूती से बढ़ने का जिंदगी है। धर्मी जन खजूर की समान है, फूलेंगे, फलेंगे और लेबनान की देवदार की समान बढ़ते जाएंगे। पुराने होने पर भी वो फलते रहेंगे और यहोवा के भवन में रोपे जाकर वो बढ़ते जाएंगे, लहराते रहेंगे। ये परमेश्वर के ऊपर भरोसे रखने वालों का चिन्ह है। परमेश्वर आपको आशीष दे। लेबनान की देवदार की समान आप बढ़ते जाए, हमारे ऊपर की आशीष यही है। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। शालोम।